हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन वर्क। तो आज हम जो है ये कनेर की जो मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाई थी और मैंने आपको जो है शॉर्ट्स के थ्रू एक मैंने छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसके थ्रू मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कनेर की कटिंग रिपोर्ट करने वाली हूँ, जल्दी ही बड़े गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो उसी को आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। और कनेर की कटिंग लगानी बहुत ही आसान है, मैंने आपको लगाते हुए भी शेयर की थी। आप किसी पार्क से या कहीं, ये कनेर का जो प्लांट है बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी कोई केयर की जरूरत नहीं होती है, सड़क के किनारे भी मिल जाता है, आप कहीं से कटिंग ले आइए। हाँ, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी की लाएंगे तो ये 100 रुपये का मिलेगा, और अगर देसी कनेर लेंगे तो वो जो है आप कहीं से भी इसकी कटिंग ला सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने कनेर की कटिंग थोड़े दिन पहले लगाई थी और ये 26 से 27 दिन का रिजल्ट है। मैं आपको दिखाऊंगी इसको भी निकाल के, इसकी जड़ को। और ये देखिए मेरा बनाया हुआ गमला, इसी में मैं आज सोच रही थी कनेर को शिफ्ट करूँ और इसमें मैंने डाल ली है। अभी मैं सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी मिट्टी, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा, आपको इसमें गोबर खाद वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल मिट्टी डालिए। ये सड़क के किनारे भी लगा रहता है और आसानी से ग्रो जाता है, किसी भी केयर की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए मैं डाल लूँ इसमें, एक्चुअली मैंने कैमरा भी होल्ड कर रखा है ना, इसलिए ये देखिए इसे मैंने डाली मिट्टी ये, और उसके बाद इस कनेर के प्लांट को मैं जो है इस कटिंग वाले बॉक्स से हटाऊंगी। थोड़ा सा ना मिट्टी को ढीला कर लेंगे जिससे इसकी जड़ें डैमेज ना हो, और अच्छे से ये हमारा कनेर जो है, जो कटिंग वाला है, ये निकला। ये देखिए इसकी, ये देखिए जड़ें देख रहे हैं, और ये आप इसकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें निकली हैं। और ये पता है बस केवल 21 दिन का ही रिज़ल्ट है, तो बस हम इस छोटे से जो मैंने सेवन का पॉट बनाया था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखाई थी आप लोगों को, तो बस इसी पॉट में मैं इसको शिफ्ट करूँगी और जो मिट्टी कम है मैं इसी वाले इसे और डालूँगी। और इस कनेर को कटिंग को हम ऐसे ही लगा देंगे। अच्छा, एक कटिंग लगाएंगे और एक कटिंग हम दूसरे गमले में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाता है पौधा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी।